मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा है रोशनी, मैं महसूस कर सकती हूँ। अपने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। सिद्धार्थ, एक बार तुम भी मेरे लिए अपना घर छोड़कर आए थे, खुश थे क्या? और तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली थी ना? सेम वे मैं भी अपनी खुशी ढूंढ लूंगी सिद्धार्थ, क्योंकि इस घर में डीडी जैसी मां नहीं रहती जिसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है। यहां सिर्फ तुम्हारी मां रहती है जो अब मेरी भी मां है। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया है क्योंकि तुम मुझे उन इंसल्ट से बचाना चाहती थी, मैं जानता हूं, इसीलिए किया ना? क्या बेचा? कुछ नहीं बेचा सिद्धार्थ, वो मेरे पैसे थे। अचानक कहां से आ गए इतने पैसे? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। तो ये बात है, मैंने तुझसे कहा था ना पुत्र, ये सब इतना आसान नहीं है। ससुराल में जमाई बन के जाना, वहीं रहना, और ऐसी ससुराल में जहां पे आपस में इतनी पॉलिटिक्स चलती हो। तेरा इंटेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब तेरी मंशा ठीक है माँ और बेटी को एक करवाने, लेकिन पुत्र ये जरूरी नहीं है आप जिंदगी में जो चाहते हो बिल्कुल वैसा ही हो। पता नहीं डैड, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि रोशनी के पास इतने पैसे आए कहां से। उसके डैडी ने कोई एफडी शेफडी कराई होगी जैसे मैंने तेरी कराई है। कोई एफडी नहीं है, अगर होती तो मुझे पता होता। खैर, कल सुबह मैं और बबलू चाचा बैंक जा रहे हैं, तभी कुछ पता चलेगा। डैड ये सब अपनी जगह पे, सासू मॉम मुझे चाहे कुछ भी कह लें, चाहे कितना भी फटकार लें, लेकिन डैड जब रोशनी घर छोड़ के जा रही थी तो मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा। वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, मुझे उनके अंदर की मां दिखाई दी डैड। I'm sorry, माँ, आपने ये बहुत प्यार से मुझे दिए थे, पर अब ये आप ही के बेटे और अपने पति की इज्जत रखने में मेरे काम आएंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नाश्ता करो, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। नहीं माँ, मैं थोड़ा जल्दी में, मुझे एनजीओ जाना है प्लीज। क्या है तुम बच्चों का, इतना सारा काम करते हो लेकिन कुछ नहीं खाते हो। और वो सिट को देखो, वो भी बस सुबह सुबह काम पे निकल गया। काम पे? कौन सा काम माँ? अब ये तो भैया उसने बताया नहीं, लेकिन कुछ खा के नहीं गया है। उफ, ये बच्चे भी ना। सिद्धार्थ सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? ये क्या है? राजवीर का बैंक स्टेटमेंट, 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, कल सुबह ही हुआ है। रोशनी ने मेरे पति से ये 10 लाख रुपए आपको देने के लिए दिए थे। हाउ फनी, रोशनी ये सब भी कर सकती। डीडी की बेटी ने मेरे पति से हेल्प की,
राजवीर, अभी मैं सिर्फ 25,000 रुपए अरेंज कर पाई और धीरे धीरे मैं सारे वापस दे दूंगी। पर तुमने जो मेरे लिए किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। रोशनी, मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह। और ये पैसे भी तुमसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहता। फ्यूचर में कभी कुछ भी चाहिए हो ना, तो प्लीज हेजिटेट मत करना, ओके? चलता हूँ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू टू राजू। बाय बाय। बाय। तो ये है वो एफडी जिसके लिए तुमने मुझसे झूठ बोला था। सच बोलती तो क्या मुझे करने देते ही? नहीं करने देता रोशनी, क्योंकि ये तरीका गलत है। एक तो तुमने राजवीर से पैसे लिए और उसके बाद अपना सामान बेच के उसको पैसे वापस कर रही हो। तो ये है वो एफडी जिसके लिए तुमने मुझसे झूठ बोला था। सच बोलती तो क्या मुझे करने देते ही? नहीं करने देता रोशनी, क्योंकि ये तरीका गलत है। एक तो तुमने राजवीर से पैसे लिए और उसके बाद अपना सामान बेच के उसको पैसे वापस कर रही हो। I just knew it. वाह, क्या प्लान है तुम्हारा सिद्धार्थ? क्या गेम खेला तुमने? तारीफ करनी चाहिए तुम्हारे दिमाग की। वैसे सीरियसली, तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम राजवीर से पैसे लोगे और मुझे लौटा दोगे और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? रोशनी, ये तो तय नहीं हुआ था ना हम दोनों के बीच। डील ये थी कि तुम्हारा पति अपनी मेहनत से और तुम्हारे सो कॉल्ड मिडिल क्लास वैल्यूज से पैसे कमाएगा और मुझे लौटाएगा। सासु मामी, रोशनी ने जो कुछ भी कहा है उसकी बातों को बुरा मानी, वो नाराज है, गुस्से में। मैं बात करूंगा उससे, संभाल लूंगा सब कुछ। तो अपनी बकवास कर दो, जो चाहिए था वो मिल गया ना तुम्हें। अब जाओ अपने चौल में पार्टी करो, जहां पता नहीं तुम जैसे कितने और लोग हैं जो अमीरों के घरों को तोड़कर अपने घर भरते रहते हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।